Hi guys, welcome back to my channel Taraneet Kaur. I hope all of you are doing well. You all are great, safe, happy at your place. So in today's video, I'm gonna talk about 5 makeup mistakes that maybe you don't know that you were mistaken. See, बहुत सारी mistakes होते हैं, लेकिन इस video में मैं 5 mistakes के बारे में ही बात करूँगी. So now let's get into the video. So मैं step by step ही चलूँगी. So number one is not hydrating your face. So कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता था कि oily skin है तो क्या ज़रूरत है moisturizer लगाने की या कोई cream apply करने की, उसकी ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही foundation apply करो, CC cream या जो भी है apply करो, is like done. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. आपको moisturizing करना बहुत 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 ज़रूरी है. अपनी skin को hydrate करना बहुत ज़रूरी. सो बेसिकली जब तक आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं होगी, तो आपका जो मेकअप है वो पैची लगेगा. जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेकअप पता नहीं हमारा पैची क्यों हो जाता है. यार, आप अगर प्रॉपरली फेस को हाइड्रेट नहीं करोगे, फेस जो है वो प्रॉपर अपनी फॉर्म में नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर फाउंडेशन, कंसीलर, कुछ भी अप्लाई करोगे, वो पैची लगेगा ही लगेगा फॉर श्योर. सो डू हाइड्रेट योर फेस. आप हाइड्रेशन करो, सीरम के साथ कर लो, या आप हाइड्रेशन किसी क्रीम के साथ, लोशन के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो. सो डू हाइड्रेट योर फेस. सो नंबर टू, लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि कई कहते हैं कि फाउंडेशन जब हम लगाते हैं तो जो हमारा फाउंडेशन जो है थोड़ी देर के बाद काला पड़ जाता है, ग्रे हो जाता है या ग्रीन हो जाता है कईयों का. सो वो क्यों होता है? सो आपका मेकअप काला क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप कलर करेक्टिंग नहीं कर रहे हो. आप सबका जो फेस है वो इवन नहीं होता है, सबका फेस साफ नहीं होता है, सबका फेस ऐसा नहीं है कि किस आपके फेस पे कोई भी दिक्कत ना हो. लाइक डार्क सर्कल्स मोस्टली सबके होते हैं, ऑलराइट, पिगमेंटेशन होती है सबके, सबके नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ अस लाइक हैव. ओके, सो यहाँ पे ये पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा पता लगता है कि मेकअप जो है वो काला पड़ रहा है, राइट? सो क्या होता है, कलर करेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कलर करेक्टिंग मीन्स, कलर करेक्टिंग में बहुत सारी कलर करेक्टिंग होती है, लेकिन जो बेसिक कलर करेक्टिंग होती है वो होती है विद लाइक ऑरेंज कलर करेक्टर एंड ग्रीन कलर करेक्टर. सो जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है वो हेल्प करता है आपका जो डार्क एरियाज हैं, दिस डार्क एरिया, दिस पोर्शन, ऑल राइट. कभी कभी यहाँ पे डार्कनेस होती है, लाइक पिगमेंटेशन होती है, डार्क सर्कल्स हो गया. सो देयर यू कैन अप्लाई ऑरेंज कलर करेक्टर. अगर ज़्यादा है तो अप्लाई ऑरेंज कलर करेक्टर, अगर कम है तो अप्लाई अ पीच कलर करेक्टर. ये मार्केट में अवेलेबल है, सब ब्रांड्स में आते हैं, आप इसको इजीली बाय कर सकते हो. उसको लगा के आपको प्रॉपरली जो है वो ब्लेंड करना है फाउंडेशन से पहले. और जो ग्रीन कलर करेक्टर है वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको रेडनेस है, लाइक कईयों के एक्नेस होते हैं या एक्ने स्पॉट्स होते हैं जो कि कुछ रेड कलर में होते हैं. सो देयर यू कैन अप्लाई द ग्रीन कलर करेक्टर. बेसिकली ये चीक एरियाज पे होते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकंड मिस्टेक जो कि लोगों को लगती है कि ये क्यों होता है, फाउंडेशन क्यों काली पड़ती है. तो जब तक आप अपने स्किन को प्रॉपरली कलर करेक्ट नहीं करोगे, सबकी स्किन पे कलर करेक्टिंग की नीड नहीं होती है, जिनके फेस पे होती है उनको यूज़ करना चाहिए. ऑलराइट, सो ये फाउंडेशन से पहले यूज़ करेंगे ताकि फाउंडेशन जो है हमारा काला ना पड़े. एंड डू ब्लेंड योर फाउंडेशन प्रॉपरली, टेक टाइम वाइल ब्लेंडिंग. मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ, सो टेक टाइम वाइल ब्लेंडिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग. अब हम बात करते हैं कि मेकअप जो है वो हमारा टूट क्यों जाता है. टूटना मीन्स क्रैक्स क्यों आ जाते हैं. सो कई लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, ठीक है, एंड देन दे लीव एज इट इज़. नहीं, आपको इसके ऊपर पाउडर जो है वो अप्लाई करना ही करना है. ऑलराइट, सो जो पाउडर्स हैं वो दो तरीके में आते हैं. एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है जो कि पूरा पैक्ड होता है, और एक आता है लूज फॉर्म में, लूज पाउडर्स आते हैं. दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन आपको फाउंडेशन के बाद आपको जो है अपना फेस जो है वो प्रॉपरली पाउडर मतलब करना है, लाइक आपको आपका फाउंडेशन सेट करना है लूज़ पाउडर के साथ या कॉम्पैक्ट, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो, फ्लफ़ी ब्रश के साथ यूज़ करना चाहते हो या किसी स्पंज, लाइक जो होते हैं ना कॉम्पैक्ट पफ्स होते हैं, अब उसके साथ करना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस. ड्रैग नहीं करना है,
यू नो ऐसे ऐसे करके करना है, या आप अगर ब्रश के साथ कर रहे हो तो आपको बहुत नॉर्मली अपने ब्रश पे अप्लाई करना है एंड रोल इट ओवर योर फेस. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ मिस्टेक. फोर्थ मिस्टेक इज़ लाइक यू नो कईयों का जो फेस है जब सब कुछ उन्होंने अप्लाई कर लिया, बेस मेकअप हो गया, लेकिन जब ब्लशर अप्लाई करते हैं तो यू नो पूरा यहाँ से भर के अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबका जो फेस शेप है वो डिफरेंट होता है, सो आपको कैसे देखना है कि आपको ब्लशर जो है वो कहाँ पर अप्लाई करना है. सो आपको करना है बिल्कुल हल्का सा स्माइल करना लाइक दिस. तो आपका ये जो कहते हैं ना कि ब्लशर को अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे आपको अप्लाई करना है, सो स्टार्ट अप्लाइंग योर ब्लशर लाइक दिस वे, दिस जो भी आपके एप्पल ऑफ द चीक्स है वहाँ से हल्का हल्का अप्लाई करते हुए आपको पीछे जाना है. ऑलराइट, सो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है. सबका फेस डिफरेंट है, ये मत देखो यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करना है, जहाँ से आपके एप्पल ऑफ द चीक्स आ रहे हैं मतलब कि जो चीज़ उठ रही है तो आपको वैसे अप्लाई करना है. एंड थोड़ा सा अगर आप अपना ब्लशर नोज़ पे लगा लोगे तो बहुत रोजी और बहुत पिंकी लुक आती है, वो बहुत अच्छी लगती है. राइट, सो लास्टली फिफ्थ मिस्टेक कि कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि कंसीलर पहले लगाना है या फाउंडेशन पहले लगानी है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो क्लियर एक फंडा होता है जो कि सबको लाइक नेचुरल लुक चाहिए, सो आई वुड प्रेफर, या जो मैं जैसे करती हूँ, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या वीडियो के एंड में आ जाएगा या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, आप वहाँ पे देख सकते हो. सो होता क्या है कि अगर आपने कलर करेक्टिंग कर ली, जिनके फेस पे नहीं रहे कलर करेक्टिंग कर ली, एंड आफ्टर दैट आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है. कंसीलर आई वुड से कि ना अप्लाई करो, फाउंडेशन से जितना कवर अप हो सकता है ट्राई एंड कवर इट. उसके बाद वेर एवर इट्स नीडेड आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो. बेसिकली होता क्या है, फाउंडेशन हमने पूरे फेस पे, नेक पे, यो पे आपने अप्लाई कर लिया. ऑलराइट, सो बेसिक जो रह जाता है इस दिस एरिया. सो प्रॉपर पहले पूरा अप्लाई करके एक सिंगल लेयर लगेगी एंड देन यू कैन अप्लाई द कंसीलर. सो आपका कंसीलर का भी काम हो जाएगा और हाईलाइटनिंग भी आपकी हो जाएगी. लाइक आपको जो कंसीलिंग हाईलाइटनिंग करनी होती है वो भी आपकी हो जाएगी. सो एक ही प्रोडक्ट है ताकि आपका जो है ना वो लेयर्स ना लगें आपके फेस पे. यस, सो दीज आर फाइव थिंग्स जो कि मैंने नोटिस करा एंड मुझसे जो कई लोग हैं वो पूछते हैं. सो उसके बेसिस पे आई फाउंड दीज फाइव मिस्टेक्स जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल तरुनीत कौर. एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो जिनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद देम. And yes, that's it. I'll see you in my next video super soon. Till then, take care. Bye.